उस समय पर ना केवल उन्होंने श्वेतांबर से दिगंबर में आए बल्कि एक साधु जीवन से ग्रस्त जीवन में भी आए, मतलब दो परिवर्तन हुए एक साथ, दो परिवर्तन, श्वेतांबर से दिगंबर में आना एक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन मुनि अवस्था से ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करना। ग्रस्त अवस्था में प्रवेश का मतलब शादी नहीं की उन्होंने, हाँ कहीं ऐसा मत समझ लेना ग्रस्ती शुरू कर दी हो, ऐसा नहीं, ग्रस्त ब्रह्मचारी ग्रस्त के रूप में जीवन यापन करना, अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, अपने जीवन में आत्म साधना, जीवन का मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना, उनका जो है मूल लक्ष्य अपने जीवन का। इतने बड़े भारी दो परिवर्तनों के साथ ही समाज में एकदम भूचाल आ गया, तूफान आ गया, बहुत क्यों आ गया वो भी समझ लीजिए क्यों आ गया, क्योंकि वे जब उस पंथ में थे हैं, स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे थे और उसी संप्रदाय के बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु थे, ज्ञानी थे, शुरू से ही दैदीप्यमान, तेजस्वी, मुखमंडल गजब का, कांति युक्त, ऐसे जब वो उन्होंने ये इतना बड़ा परिवर्तन किया तो समाज में एकदम सब लोगों को लगा कि भाई क्या हुआ, उनके बहुत भक्त थे, उनको बड़ा विचित्र लगा। तो उन्होंने उनको पहले तो समझाया कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, फिर बाद में नहीं समझे तो थोड़ा डराया धमकाया भी, मतलब काफी कुछ हुआ, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे, अडिग 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 एकदम अडिग। चारों ओर से बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए गए, अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनी। ऐसी परिस्थिति में एक विद्वान हुए कोटा राजस्थान में, अभी तो नहीं है गुजर गए हैं, युगल किशोर जी युगल, उन्होंने एक कविता लिखी है। उन्होंने इस परिस्थिति को चित्रित करते हुए, वो जो परिस्थिति तत्कालीन समाज में जो तैयार हुई थी उस परिस्थिति को चित्रित करते हुए एक कविता लिखी। उस कविता का शीर्षक था तूफान, कविता का शीर्षक है तूफान है। क्या कविता थी कि लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। दो लाइन सुनाइए मैंने आपको, कविता और भी है, लंबी है। कहने का मतलब समाज में अनेक प्रकार की जो भ्रम थे, मिथ्या मान्यताएं थी, और नयों के बारे में, निमित्त उपादान के बारे में, और भी अनेक बारी बहुत सारी बातों के बारे में, जो बातें समाज के सामने शास्त्रों में थी, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव कान्हा स्वामी ने कोई नई चीज निकाल के दे दी, नया कुछ नहीं दिया, जो चीज शास्त्रों में थी उसे ही बताया, बताने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन उनके पहले कोई भी आम जन का ध्यान उन बातों की ओर सहज नहीं पहुंच पाता था, कोई भी व्यक्ति शास्त्र, पहली बात तो शास्त्र स्वाध्याय की इतनी बढ़िया गहरी परंपरा थी नहीं, कभी कोई बड़े बुजुर्ग लोग सफेद बालों वाले हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर थोड़ी बहुत धर्म की रुचि जगी तो एक किसी आसपास के मंदिर में एकत्रित हो जाते थे और वहां पर किसी एक पुराण को पढ़ना शुरू कर देते थे, पद्म पुराण पढ़ लिया, कोई भी पुराण एक पढ़ लिया, पुराण कथा कहानी, ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रंथ श्राव का चार टाइप कोई चीज पढ़ लेते थे और बस पढ़ करके समझ लेते थे कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया जीवन। लेकिन जो मूल तत्व ज्ञान की जो बात थी, ऐसी प्रयोजनभूत बात जो हमारे आत्मा का हित कर सकती थी, ऐसी बातों की ओर सहज ध्यान नहीं जाता था किसी का, ऐसी बातों को शास्त्रों से खोज खोज करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का जो काम किया था वो काम गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी ने, इसलिए उनका जो है पद और उनका जो सम्मान आज भी हम देखते हैं तो समाज में बहुत है। आज मुंबई शहर में इतने बड़े बड़े कुछ समाज हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं जो गुरुदेव कान्हा स्वामी के नाम से अनेक संस्थाएं चला रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के धर्म प्रचार की गतिविधियों में संलग्न हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों का प्रकाशन करते हैं। गुरुदेव कान्हा स्वामी के प्रेरणा से पूरे भारत में सैकड़ों जैन मंदिरों की स्थापना हुई, जैन मंदिर निर्मित हैं आज उनकी प्रेरणा से बहुत सारे थे, और शास्त्र भी उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे छपाए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी की प्रेरणा से राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में भी
एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम है पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। उस पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के अंतर्गत श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय चलता है। वो महाविद्यालय में धार्मिक पढ़ाई, लोकेतर पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई तो होती है, लोकेतर पढ़ाई की पर किसी का ध्यान नहीं है, ऐसी पढ़ाई वहां पर पढ़ाई जाती है। और उस पढ़ाई को पढ़ने वाले 40 साल से ज्यादा हो गई संस्था, तब से निरंतर वहां पर ये कार्य चल रहा है। अनेक विद्यार्थी, अनेक समाज के ऐसे ऐसे लोग जो इस काम को कर रहे हैं, हैं? तो जयपुर में जो संस्था है, उस संस्था में 40 वर्ष से जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार, अध्ययन अध्यापन बहुत हो रहा है। मैं स्वयं भी उसी संस्था का एक छात्र रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे मालूम है मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूँ। गुरुदेव कांजी स्वामी का जो जीवन था, वो जीवन कैसा था, मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने परिवर्तन को अपनाया, उस परिवर्तन के समय समाज में भूचाल आया, उस भूचाल के समय उनकी जो सुमेरु जैसी जो दृढ़ता थी वो देखते ही बनती थी, गजब की थी। उनका एक ही सेंटेंस था जो कहने लायक था, वो ये कहते थे बारंबार, जब समाज की तरफ से डर, भय, प्रलोभन है, अनेक प्रकार की चीजें जब उनके सामने रखी गई, ऐसे पासे फेंके गए, तब वो एक ही बात कहते थे, ये भाव, भाव माने जन्म, ये जन्म, मनुष्य जन्म, ये भाव भाव का अंत करने के लिए है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के पोषण के। फिर से बोल देता हूं, ये भाव भाव के अभाव करने के लिए मिला है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के पोषण के लिए। ना दिगंबर का पोषण करना है, ना श्वेतांबर का करना, ना तेरा पंथी का, ना बीस पंथी का, ना कोई स्थानकवासी का, किसी का, कोई हमको किसी पंथ में संप्रदाय में पढ़ना नहीं है। हमें तो जो सही तत्व ज्ञान जिधर जैसा जो समझ में आया, हम तो उधर आ गए, ऐसा उनका ये कहना है। लेकिन फिर भी अनेक परिस्थितियां बनी, भययुक्त वातावरण में उन्हें किसी से वाद विवाद करके अपना समय शक्ति वो सब खंडित नहीं करनी थी। और जैसे ही उनके हाथ में समय सार लगा, आचार्य कुंद दिगंबर आचार्य उनके द्वारा लिखित समय सार ग्रंथ जैसे ही उन्होंने देखा, उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ये तो अशरीरी सिद्ध भगवान बनने का शास्त्र है। और उस शास्त्र को लेकर के वो आइसोलेशन में चले गए। आइसोलेशन शब्द तो आज बहुत प्रचलित है, एकांतवास में चले गए, सारी दुनिया के जंजाल से दूर हो गए, समाज में कोई कुछ भी कहे, निंदा करे, प्रशंसा करे, गालियां देवे, कुछ भी करे, लेकिन उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं, और सबसे विरक्त होकर के वो एकांत में चले गए। गुजरात की भूमि पर, गुजरात की भूमि पर सोनगढ़ है भावनगर के पास में, उस सोनगढ़ वो उनकी जो है मुख्य साधना स्थली रही है। उस साधना स्थली के पास ही, करीब ही एक दो किलोमीटर की दूरी पर ही एक छोटी सी पहाड़ी टेकरी, वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा हट घर है, उस घर में उन्होंने 3 साल 3 महीना और 3 दिन बिताए थे। उस विरोध की आंधी के दौरान, जब तक उस विरोध की आंधी नहीं थम गई, तब तक वो उस छोटे से घर में रहते थे। उस छोटे से घर को आज भी हम स्टार ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, स्टार ऑफ इंडिया, इतना बढ़िया सुंदर नाम उस घर का रखा है। गुरुदेव कांजी स्वामी ने अपने जीवन में जो साधना की है, समय और समय की साधना, मैं 2 बार फिर से बोल देता हूँ, समय और समय की साधना, समय और समय की साधना, मतलब एक समय का अर्थ है समय सार, दूसरे समय का अर्थ है टाइम, समय को सही सदुपयोग किया, समय सार पढ़ने, जिसने अपनी समय को समय सार में दे दिया, उतना समय ही सार है, शेष समय असार है। समझ में आया, जितना समय अपनी आत्मा को दिया वही समय सार है, शेष सब असार है। ऐसा उन्होंने समय और समय की जो मैचिंग बिठाई है, समय सार का मर्म खोल करके समाज के सामने रखा है, वो अद्भुत काम किया है। समय सार एक जमाना ऐसा था जब लोग पढ़ते नहीं थे और पढ़ने का निषेध करते थे, खोल नहीं लेना, ग्रंथ पढ़ना नहीं, ये ग्रंथ ग्रस्तों को पढ़ने लायक नहीं है, ये शुद्ध निश्चय नहीं की बात है, और इसको पढ़ने से आप निश्चयाभाषी हो जाएंगे,
ये तो सिर्फ मुनियों के पढ़ने योग्य है, ऐसी ऐसी बातें उस जमाने में होती थी है, कोई समय सार को खोलता नहीं था। लेकिन गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी ने उसको, उसके मर्म को खोला, न केवल समय सार को खोला, उसके मर्म को भी खोला और उस मर्म को खोल करके समाज के सामने प्रस्तुत किया और ये बताया कि नहीं, ये कोई साधुओं के पढ़ने लायक ही नहीं, ये तो सिर्फ उस व्यक्ति को पढ़ने लायक है जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधु हो। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए, और जिसे सम्यक दर्शन है उसे और आगे बढ़ने के लिए इसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार जो समय सार जन जन की विषय वस्तु आज बना हुआ है वो गुरुदेव कान्हजी स्वामी के देन। कान्हजी स्वामी की फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी है ना, वो फोटो आप देखते हैं तो आपको किसकी याद आती है? है कैसा लगता है कि ये फोटो है भारत को आजादी दिलाने वाले है कौन थे? गांधी जी। उनसे कुछ मिलती जुलती लगती है कि नहीं लगती है? एक तो थे गांधी जी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, और दूसरे थे कान्हजी स्वामी जिन्होंने भारत को नहीं पूरे कण कण को आजादी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कण कण स्वतंत्र है, जैन धर्म स्वतंत्रता का दर्शन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, ऐसी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था का उद्घोष करने वाली जो उनकी वाणी थी वो अद्भुत थी। देखो कान्हजी स्वामी और महात्मा गांधी ये दो महापुरुष, इनके अंदर कुछ समानताएं आप देख, ये दोनों महापुरुष गुजरात के काठियावाड़ में जन्मे और गांधी जी ने लौकिक स्वतंत्रता दिलाई और कान्हजी स्वामी ने पारलौकिक स्वतंत्रता की राह बताई। एक थे साबरमती के संत तो दूसरे थे सोनगढ़ के संत, संत दोनों ही थे, संत जैसा ही जीवन दिया, अंत में भी भले ही कहने को गृहस्थ हैं कहीं संत जैसा ही जीवन इन्होंने दिया था। और आगे देखिए इनका जो प्रमुख संदेश था, हर प्रवचन का निचोड़, सैकड़ों प्रवचन अपने जीवन में किए थे, समय सार पर इन्होंने जो है 19 बार प्रवचन किए थे सभा में, 19 बार समय सार सभा में, और पर्सनली अपने जीवन में तो सैकड़ों बार स्वाध्याय किए, ऐसे जो थे ये। हर प्रवचन में जो आत्मा की बात आती थी, शुद्ध आत्मा की बात आती, क्या बात आती थी? आत्मा आत्मा आत्मा, भगवान आत्मा सदा ही निर्मल है, पर से अत्यंत भिन्न परम पावन है, ये त्रिकाली ध्रुव तत्व आनंद का कंद ज्ञान का घनपिंड है, रंग राग भेद से भी भिन्न है, अतीन्द्रिय परम पदार्थ निजात्मा ही आश्रय करने योग्य, उसका ही आश्रय करो, उसी में जम जाओ, उसी में रंग जाओ, यही है जीवन का सार। ऐसा आत्मा का चित्रण शब्दों में किया उनके हर व्याख्यान में, हर प्रवचन में आप कहीं भी सुन लीजिए, शुद्ध आत्मा के अलावा और कोई दूसरी बात ही नहीं है। आबाल गोपाल के सामने पढ़े लिखे हो चाहे साक्षर हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो है, कैसी भी जनता हो कैसी भी श्रोता हो, वे तो सबको भगवान आत्मा के रूप में देखते थे। शत्रु को भी कहते थे कि ये भगवान छे भूले भूला हुआ भगवान है, ये आज भूला हुआ है, कल को सिद्ध भगवान बनेगा। तो सब जीव प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, ऐसी दृष्टि इनकी थी, ऐसी दृष्टि इनकी थी। किसी झगड़े में पड़ना इनका मकसद नहीं था, इनका जो व्यक्तित्व था दिखने में कैसे थे कैसे लगते थे जरा उसको आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। देखो डॉक्टर हुकमचंद भारिल के शब्दों में इनके व्यक्तित्व को यहाँ पर मैंने लिखा है, श्री कान्हजी स्वामी अंतर्वाह्य व्यक्तित्व के धनी थे। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अंतर्वाह्य व्यक्तित्व के धनी थे, एक स्वच्छ शुभ्र श्वेत परिधान से सर्वांग ढकी, एकदम गोरी भूरी विराट काया, सुंदर थे, तैदीप मान चेहरा है और सफेद वस्त्र, उस पर उगते हुए सूर्य सा प्रभा संपन्न उन्नत भाल, भाल मतलब ललाट, तथा कभी अंतर्मग्न गुरु गंभीर एवं कभी अंतर की उठी आनंद लोर से भी खिलखिलाता, गुलाब के विकसित पुष्प जैसा ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान मुखमंडल,
व्याख्यान में उनकी वाणी से कुछ भी न समझने वाले हजारों श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किए रहते। मतलब ऐसी भी स्थिति बनती थी जब ग्वाले जैसे अनपढ़ व्यक्ति उनके प्रवचन सुनने आते थे, समझ में कुछ आए या ना आए, लेकिन इतना जरूर आता था कि ये कोई जो बात कह रहे हैं वो बड़े काम की है, वो आत्मा के हित की बात है। ऐसी बात अनेकों बार अनेकों लोगों ने महसूस की है। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार महात्मा गांधी खुद इनके प्रवचन सुनने आए थे, हैं महात्मा गांधी खुद इनके प्रवचन सुनने आए थे, और इनकी तो टोन और इनकी तो बातें सदा एक जैसी ही चलती थी, हैं ऐसा नहीं कि गांधी जी आए तो कोई स्पेशल बात करेंगे, जो बात रेगुलर चलती थी वही चलती थी। तो ये तो वही कहते थे कि पर हर द्रव स्वतंत्र है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है, और ये जीव व्यर्थ में ही इस अहंकार में पागल है कि मैं करता हूँ। गांधी जी ने भी ये सुना, उन्हें लगा कि ये तो शायद मुझे इशारा करते हुए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ओढ़ रखी है, मैं देश को स्वतंत्र करा रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ यूं कर रहा हूँ, तो शायद मुझे टॉन्टिंग कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी को लगा। गांधी जी इनसे पर्सनली मिले तब जाकर के उनको समझ में आया कि नहीं, इनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है। तब तो कहने का मतलब गांधी जी भी मिले हैं इनसे, बहुत लोग मिले हैं, बहुत प्रकार की बातें हैं, हैं इनके जीवन को बहुत डिटेल से जानने के लिए अनेक पुस्तकें हैं, अनेक इनका साहित्य है, उसको पढ़ने पर समझ में आएगा। समय सार पर जो इन्होंने व्याख्यान किए, आपको क्या बताऊं, 11 वॉल्यूम उसके पब्लिश हैं, 11 वॉल्यूम प्रवचन रत्नाकर के नाम से हैं। केवल समय सार ही नहीं, अनेक ग्रंथ, प्रवचन सार, समय सार, दुनिया भर के स्तोत्र भी, भक्तामृत स्तोत्र भी जिन पर उन्होंने प्रवचन किए हैं। ऐसी बात देखो और आगे पढ़िए, दीप्यमान मुखमंडल व्याख्यान में वाणी से कुछ भी न समझने वाले हजारों श्रोताओं को, वहीं दूसरी ओर स्वभाव से सरल अनुभव एवं स्वाध्याय समता भाव करुणा भाव रखने वाले विनम्र पर सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, है सिद्धांतों की कीमत पे कभी नहीं हटी, हटी हटी नहीं कह सकते, दृढ़ संकल्प भी कह सकते, हटी तो होता है अच्छी या बुरी दोनों बातों पे, लेकिन नहीं सिद्धांतों की कीमत पे नहीं झुकते थे कि ये जो सच है, ये सही रास्ता ये है, तो ये है बस, वो समझ में। आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कैसे उनका जीवन बदला, ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण उनका जीवन बदला, उनको कौन सी बात पसंद आई, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आत्मानुभव और स्वाध्याय में मग्न, या तो आत्मा की ध्यान करेंगे या तो ज्ञान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। सबके प्रति समता भाव करुणा भाव रखने वाले, विनम्र पर सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, अत्यंत निष्प्रय दृढ़ मनस्वी, गणधर जैसे विवेक के धनी, वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल, उनका आंतरिक व्यक्तित्व बड़े बड़े मनीषियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता। कितना समझ में आ रहा है आपको, काफी कुछ इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। इनका व्यक्तित्व बेजोड़ रहा है, इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताएं, समय सार पर इतना जबरदस्त मर्म खोल करके रखा है। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार नए हैं, गुरुदेव सूरी के पहले लोगों ने नाम सुने थे लेकिन उनका अर्थ इतना स्पष्ट नहीं था, निमित्त उपादान क्या है, ये सब नाम सुनते थे लोग लेकिन जानते नहीं थे इतना गहराई से, उस सबको खोलने का काम गुरुदेव कांजी स्वामी ने किया। तो इस प्रकार कांजी स्वामी का जो योगदान है वो मतलब सिद्धांतों के में तो है ही, और भी अनेक चीजों में है, वो आगे आएगा। देखो इसके आगे चलते हैं और इनके बारे में कुछ सामान्य सामान्य जो मुख्य मुख्य बातें हैं, सोनगढ़, समय सार और कांजी स्वामी, ये तीन शब्द हैं। ये तीन शब्द आज परस्पर पर्यायवाची जैसे प्रतीत होने लगे, आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा संलग्न हो चुके, एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। आप तीनों शब्द में से कोई एक शब्द सुनेंगे ना, तीनों में से कोई एक शब्द सुनेंगे तो आपको बाकी दो शब्द भी याद आएंगे। सोनगढ़ का नाम सुनते क्या याद आता है, कांजी स्वामी याद आते होंगे, कांजी स्वामी का नाम सुनते अरे तो समय सार सुनो तो कांजी स्वामी, अरे कांजी स्वामी ने ऐसी व्याख्या की थी, कांजी स्वामी का नाम समय सार सुनो तो ऐसा, कांजी स्वामी सुनो तो वैसा, कांजी स्वामी सुनो सोनगढ़ याद आते। तो इस प्रकार से तीनों शब्द परस्पर एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। कांजी स्वामी का जीवन समय सार पढ़कर बदला, समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये दो ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर के उनका जीवन बदल गया। कब बदल गया, विक्रम संवत
1978 1978 कौन सा वाला 1978 ईसवी सम्मत नहीं, जैसे अभी 2021 चल रहा है ना ऐसा वाला नहीं ये तो ईसवी सम्मत है। ईसवी सम्मत में 57 ईयर प्लस करो तब आता है विक्रम सम्मत, ठीक है। तो अभी कौन सा चल रहा है हमारा 2078 2078 है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं पीछे तो 1978 विक्रम सम्मत में इन्होंने जब समय साथ पढ़ा तब इनका जीवन बदल गया। और इन्होंने समय और समय की साधना, देखो समय और समय मैंने बोला था ना आपको पहले ही, एक समय का अर्थ शुद्धात्मा और दूसरे समय का अर्थ टाइम, टाइम के भी बेजोड़ थे। इनकी जो जीवनचर्या थी दिनचर्या थी वो ऐसी थी कि यदि किसी की घड़ी रुक जाए, उसका सेल वाली घड़ी होती है ना रुक जाती है कई बार बंद हो जाती है, तो पहले के आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं, पहले तो उसमें चाबी भर के घड़ी को मिलाना पड़ता था तो घड़ी की जब सुइयां मिलाने का टाइम, मतलब लोगों को लगता था अरे कितने बजे जरा टाइम मिलाते हैं, तो टाइम मिलाने के लिए आजकल इतनी सुविधाएं थोड़ी थी पहले, तो गुरुदेव कांजी स्वामी की जीवनचर्या को देख करके घड़ी मिलाई जा सकती थी। यदि 4 बजे वो इधर से निकलेंगे और इधर से निकल रहे हैं तो समझो कि 4 बजे हैं, सोचो यदि वो प्रवचन की गद्दी पर बैठ गए हैं यानी कि इतने बजे बैठते तो उतने ही बजे होंगे जरूर, ना एक मिनट कम ना एक मिनट ज्यादा, ऐसा इनका सिस्टम था दिनचर्या के पक्के। चाहे जितना तेज बुखार आ जाए, 104 डिग्री बुखार जानते हैं आप, हम और आप जैसे तो हालत खराब हो जाए ऐसी स्थिति में भी, 104 थे या 102 कुछ कंफ्यूजन है मुझे, काफी बुखार, उस बुखार के अंतर्गत भी इन्होंने अपना प्रवचन का जो क्रम है वो छोड़ा नहीं, प्रवचन करते थे ऐसे समय पर भी है। तो इस प्रकार समय और समय की साधना पर बल दिया। सोनगढ़ में इनकी प्रेरणा से पंच परमागम का एक मंदिर, परमागम मंदिर उसको बोलते हैं, परमागम मंदिर, कैसे बोलते हैं परमागम मंदिर कि उस मंदिर की दीवारों पर आचार्य कुंद के द्वारा लिखे गए 5 परमागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपावड़, पंचास्तिक, उन 5 परमागमों की सभी गाथाओं को स्वर्णाक्षरों से उल्लिखित करवाया, आप जाकर के देख सकते हैं आज भी है। तो इस प्रकार से वो मंदिर आज भी ठीक है, परमागम मंदिर, आगे दिखाऊंगा मैं उसके चित्र भी दिखाऊंगा आपको, प्रतिकृति मॉडल देखना है तो मुंबई में है वो सोनगढ़ जाने की जरूरत नहीं हो, यहीं देख सकते हैं आप, सेम टू सेम उसका मॉडल, हूबहू मॉडल, और मॉडल तो कहने का है, हकीकत जैसा ही बना दिया है, वैसा ही पक्का मजबूत पत्थरों का, जिस कलर के पत्थर, जिस डिजाइन के पत्थर, वो सब कुछ वैसा का वैसा है। विले पार्ला वेस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर सी मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है, उस मंदिर के टॉप फ्लोर पर आप देखिए तो वहां पर पूरा हूबहू सोनगढ़ की पूरी रचना बना, कभी जाइए देख के आइए, वहां भी एक परमागम मंदिर बना है हूबहू। आप उस मंदिर की छोटी छोटी खिड़की और छोटे छोटे गेट दरवाजे उनके अंदर से झांक करके देखेंगे ना तो वहां पर समय सार की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों से लिखी पाएंगे आप, हूबहू बिल्कुल वैसा एकदम गजब। फिर देखो कांजी स्वामी ने कई बार कुन के समय सार पर 19 बार प्रवचन की है, कई बार तो यानी पर्सनल लाइफ, कांजी स्वामी ने समय सार के लिए परंपरागत संप्रदाय और उसका गौरवपूर्ण जीवन, यश और प्राणों का मोह भी छोड़ दिया, कोई मारे तो मार दे, जान भी ले ले तो ले ले, क्योंकि ये शरीर तो मेरा है नहीं, इतने भेद विज्ञानी अपने आप को अलिप्त, सारी दुनिया से, संसार से, शरीर से, भोगों से, सबसे अलिप्त वो समझते थे। और ये जो बोल्ड लाइन मैंने आपको रेड कलर में लिखी है, जोरदार लाइन है, ये फेमस लाइन है, यह भाव भाव का अभाव करने के लिए है, किसी पंथ या संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं, मैं क्यों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई यश नहीं चाहिए, बहुत यश था, ऊंचा ऊंचा पद था इनका, लेकिन नहीं है। देखो आगे आगे देखो इनके कुछ जीवन के बारे में कि इनके जन्म कहाँ, माता पिता कौन, वो देख लीजिए। इनका जन्म बेसिक डिटेल है, इनका जन्म विक्रम सम्मत 1947, गुजराती में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, कुछ 15 दिन आगे पीछे है कुछ है ना, तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो गुजराती के हिसाब से 1946 भी है कुछ, ये अपने सुधी बुद्धि करके जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है ना उसका कुछ चक्कर रहता है थोड़ा सा उसके हिसाब से। तो
रविवार का दिन था, वैशाख शुचि दोज थी, तब इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है गुजरात के काठियावाड़ में छोटा से ग्राम उमराला में हुआ था। पिता का नाम मोतीचंद था, माता का नाम उजमबाई था, स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे थे। बाल्यकाल से ही प्रतिभावान थे, बहुत प्रतिभा थे, बाल्यकाल से ही होशियार थे। तो विद्यालय जब पढ़ने की उम्र आई तो विद्यालय भेजा गया, तो कहते थे कि गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो सब मुझे आता है और बहुत प्रतिभावान छात्र होता है, तो उसको लगता है मेरा तो टाइम खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति थी, और बहुत कोमल मन के थे, कोई भी चीज देखते थे तो हृदय पर असर करती थी। एक बचपन में नाटक देखा, नाटक देखा, उस नाटक का जैसे गांधी जी ने एक नाटक देखा था बचपन में, कौन सा, हरिश्चंद्र नाटक देखा था, जिससे उनको प्रेरणा मिली सत्य बोलने की। इन्होंने भी एक नाटक देखा भक्त ध्रुव का, कि उसकी जैसी भक्ति, ऐसी भक्त इनके जीवन में भी भक्ति अपना ली। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी के साथ भी इनकी तुलना करके देखी जा सकती है। तो इस तरह से कहने का मतलब आप देखिए कि क्या क्या हुआ। आगे देखो थोड़ा सा कि बचपन में स्कूल के बाद, स्कूल में देख भेजा तो देखता है कि यहाँ तो सब आता है, हमें तो होशियार थे, खुद ही पढ़ लेते थे। फिर बचपन में भाई के साथ इनको किसी दुकान पर बिठाया, तो वहां पर भी उनको लौकिक कार्य था ना, मन नहीं लगता। फिर भक्त ध्रुव नाटक देखा तो उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनके जीवन के। 16 वर्ष की उम्र में किसी काम से इनको बड़ौदा की कोर्ट में जाना पड़ा है गवाही के लिए, तो वहां पर इनकी सहजता, सरलता, स्पष्टवादिता के कारण बिना किसी गवाह के इनकी बात को प्रमाण मान लिया। ऐसी भी स्थिति, देखो जो महापुरुष होते हैं उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि बिना एविडेंस के ही कोर्ट ने इनको जो है प्रमाणिक व्यक्ति स्वीकार कर लिया, ऐसी भी स्थिति बनी है। फिर इसके बाद 22 वर्ष की उम्र में है, 22 वर्ष की उम्र में साधु हीराचंद जी के पास में विक्रम संवत 1970 में अघन सुधी नवमी रविवार के दिन दीक्षा ली। कोष्टक में मैंने थोड़ा मुझे याद रखने के लिए लिखा है, आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। एक छोटी सी घटना घटी थी उस दिन, और उस घटना को लेकर के कांजी स्वामी के मन में एक शंका, एक संदेह खड़ा हो गया। और वो घटना ये थी कि जब श्वेतांबर साधु की दीक्षा होती है, मतलब श्वेतांबर दीक्षा होती है, तो उस दीक्षा में ऐसा बड़े उत्साह के साथ और बड़े रथ यात्रा जुलूस और हाथी घोड़े, मतलब जितना जो हो सकता है अच्छे से अच्छे करते हैं वो, बहुत अच्छे से। तो उसी प्रक्रिया के दौरान ये गुजर रहे थे, तो इनको भी हाथी के ऊपर बैठा के जुलूस में ऐसी दीक्षा हो रही थी। तो जब ये हाथी के ऊपर चढ़ रहे थे दीक्षा के साथ, हाथी के ऊपर, तो हाथी के वो जो हौदा जो होता है जिसके अंदर बैठते हैं, हैं, तो वहां पर कहीं कोई कील निकली हुई थी, तो वो जो कील में इनका जो वस्त्र था, दीक्षा का वस्त्र, नया वस्त्र पहना था उस वक्त, तो वो नया वस्त्र, उस दीक्षा का वस्त्र उस कीली में फंस के फट गया, थोड़ा सा फट गया। तो ये बैठ तो गए उस वक्त, इनके मन में ये आ गया कि ये जो मार्ग है इसमें पराधीनता नजर आ रही, ये वस्त्र फट गया, ये पराधीनता है, धर्म तो स्वाधीनता का नाम है, हैं, ऐसा इनको थोड़ा सा लगा। देखो ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, जैसा जो उनके मन में आया बाद में उन्होंने बताया ये बात है, तो उनके मन में खटका हो गया। तब उनको लगा कि धर्म तो स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन थोड़े होना चाहिए। तो इस प्रकार से तभी उनको लगा कि ये एक छोटा सा अपशकुन है, तभी से उनके मन में थोड़ा सा खटक पैदा हो गई। आगे चलकर वे स्थानकवासी संप्रदाय में बहुत बड़े विद्वान के रूप में, ख्याति प्राप्त प्रवचनकार के रूप में, कठोर साधु के रूप में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन गए। आगे चलकर फिर क्या हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ, वो ध्यान देने की गंभीर बात है। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था विक्रम संवत 1978। सबसे पहले समय सार हाथ लगा, समय सार हाथ लगा, समय सार जैसे हाथ लगा इनके मुंह से यही निकला कि ये तो शरीर होने का शास्त्र, उसको लेकर एकांत में चले गए, आइसोलेशन में हो गए, वहीं पढ़ने लगे, कोई रोटी दे या न दे उसकी चिंता नहीं थी इनको, छोड़ दिया इन्होंने, नहीं चाहिए मुझे यश, नहीं चाहिए पद, नहीं चाहिए साधु जीवन, नहीं चाहिए लोग मेरे चरणों में झुके वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया। फिर 4 साल के बाद 1982 विक्रम संवत में मोक्षमार्ग प्रकाशक एक दूसरा ग्रंथ हाथ में लगा, पंडित टोडरमल जी का लिखा, वो ग्रंथ इनको बहुत पसंद आया, खासकर 7वां चैप्टर उसका बहुत पसंद आया, उसे उन्होंने अपने हाथों से लिख लिया अपनी डायरी में और बारंबार इसका स्वाध्याय करने लगे।
दोनों ग्रंथों को पढ़कर जीवन बदल गया, दोनों पर कई बार प्रवचन किए। इन ग्रंथों को पढ़कर उनके अंदर बाहर एकदम जोरदार संघर्ष चलने लगा कि मैं क्या करूं, क्या करूं, किधर जाऊं, हैं, समाज अलग कहती है, मेरा मन कुछ अलग कहता है। तो इस प्रकार की ऐसी गंभीर स्थिति को लेते लेते कई साल निकल गए। कितने साल निकल गए? लगभग 9 साल निकल गए, और विक्रम संवत 1991 में 9 साल कसम कस में निकल गए। फिर महावीर जयंती का दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदश, इस शुभ दिन के दिन उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की एक फोटो के सामने अपनी मुंह पट्टी उतार फेंकी और अपने आप को दिगंबर श्रावक घोषित कर दिया। एकदम चारों ओर कोलाहल मच गया, समाज में विघटन शुरू हो गया। अनेक भय प्रलोभन सब कुछ दिखाया गया, खूब समझाया गया। लोगों ने कहा कि आप ठीक है, लेकिन कम से कम ये समाज की व्यवस्था तो रखो, कम से कम। बहुत समझाया, लेकिन नहीं, अड़िग रहे। ऐसा इनका व्यक्तित्व था, हैं, इस वजह से बहुत विवादास्पद भी रहे, लेकिन आगे चल करके अभी काफी लोग, बहुत लोग हैं जो इनका विरोध करते थे, हैं, वो लोग उनके दर्शन को आते थे, लेकिन भक्ति से नहीं, ये देखने आते थे। देखते हैं अब कैसी कट रही है। पहले तो हम लोग बड़ा आदर देते थे, सम्मान देते थे, अब देखते हैं कैसी कट रही है। तो वो आते थे उनकी थोड़ी सी CID करने के लिए, हैं, और जो आते थे लेकिन बाद में उन्हीं के बन जाते थे। एक बार ऐसी घटना हुई कि मतलब कुछ लोग तो इनके, देखो इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या हुई शुरू में कि जो श्वेतांबर संप्रदाय से इधर आए तो श्वेतांबरों ने भी नहीं अपनाया, क्योंकि वहां से छोड़ के आ गए। दिगंबरों ने भी नहीं अपनाया, क्योंकि वो भी शुरू में इनको पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में दिगंबर श्वेतांबर दोनों ने ही अपना लिया। दोनों ही समझ गए कि ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन जो इनके दर्शन करने आता था वो इन्हीं का बन के रह जाता था। और बन के भी रह जाता था, इतना ही नहीं बल्कि वो धीरे धीरे सहज संपन्न होता जाता था, सुखी जीवन दिखाई देने लगता था। वो सब सहज पुण्य का कमाल था, बाकी कोई इनके पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं था, लेकिन लोगों को लगा शायद कोई जादू मंत्र है। और क्या होता था कि जब ये सात स्वाध्याय करते थे तो उस दौरान एक छोटी सी एक लकड़ी स्केल, है, लकड़ी का जो स्केल होता है, ऐसा स्केल जैसा एक लकड़ी की एक पट्टी वो अपने पास में चौकी पर रखते थे हर वक्त। तो लोगों को लगा कि ये जो है ना, ये इनके पास कोई जादू की लकड़ी है, जादू की लकड़ी है, जिसके ऊपर घुमा देंगे वो तो बस इन्हीं का हो जाता है। तो एक दिन किसी ने, और हो ही नहीं जाता, समृद्ध हो जाता, तो उन्होंने किसी ने उसको चुरा ली। तो फिर बाद में पता चला कि ये कोई जादू की लकड़ी नहीं है, ये तो हम इसलिए रखते हैं कि ये जो शास्त्र को पन्ने पलटते ना, पेज पलटते हैं, तो ये हमारे हाथों में पसीना आ जाता है, तो इस पसीने से वो पन्ने गंदे ना हो जाए, इस चक्कर में हम वो उसको साफ करने के लिए ही ये पट्टी रखते हैं। ऐसा बाद में बताया, तब लोगों को समझ, अरे ये भाई, तो कहने का गुरुदेव खानी स्वामी ने कहा कि ये जो कुछ भी है ना, ये तो सब अपने अपने पुण्य प्रभाव से समृद्ध होते हैं, हमारे कोई पास कोई जादू मंत्र नहीं है, हम किसी को ऐसा कोई समृद्ध करने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसा जो है एक छोटी सी घटना, एक घटना, ये देखो सोनगढ़ के चित्र आप देख लीजिए। ये सोनगढ़ का ये जो पहला चित्र देख रहे हैं, ये परमागम मंदिर का, ये मंदिर परमागम मंदिर के नाम से कहलाता है। इसमें पूरे पंच परमागम स्वर्ण अक्षरों से लिखाए गए हैं, ठीक है। और ये मंदिर भी मुझे लग रहा है वही है शायद, ऐसा कुछ है। और एक नीचे और भी हैं, और भी मंदिर हैं, क्या है, एक मिनट, हाँ, एक ये जो है समोसरण मंदिर है, तीसरा वाला समोसरण मंदिर है, और ये तो खैर इसी के सामने, ये इनकी समाधि स्थल है वहीं पर। और ये जो कंपाउंड है परिसर, वो काफी बड़ा है, इसमें और भी कई चीजें हैं। एक पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय भी है, समोसरण मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, पंच परमागम मंदिर भी आप देख रहे हैं, ये इनकी जो है वो क्या बोलते हैं, समाधि स्थल भी देख रहे हैं, है, ये मानस स्तंभ भी देख रहे हैं, है, इस प्रकार से। और उस आश्रम के अंदर कुछ ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी बहनों का भी एक वो था थोड़ा सा परिसर में, तो वो वहां पर साधना, वे भी बहने भी साधना करती थी। इस प्रकार से कुछ उनकी जीवन की ये थोड़ी झलकियां हैं। अब जो है इनके प्रमुख विचार हैं, व्यक्तित्व की बात तो हुई, अब थोड़े जो इनके दार्शनिक जो विचार हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करें। तो देखो इन्होंने कहा कि जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं ये कोई हमारी अपनी बात नहीं,
ये हमने भगवान महावीर की वाणी गौतम ने सुनी, परंपरा से चली आई, श्रुत केवलियों से चली आई, फिर आचार्यों ने उसको गूथा, कुंद कुंद ने रचा है, फिर हमने उन पर व्याख्यान किया, हमारा अपना क्या है। ये तो सब तीर्थंकरों की वाणी है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं, ऐसा इनका कहना। एक सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय है, जिसकी चर्चा अपन ने की थी ना एक बार, क्रमबद्ध पर्याय आपको पूरा समझाया था मैंने एक बार। हालांकि वो सिद्धांत बड़ा गूढ़ गंभीर और आसान नहीं है, वो सिद्धांत ही ऐसा है कि वो सिद्धांत अपने आप में ये कहता है कि मैं उसको ही समझ में आऊंगा जिसकी बलि होना होगी। वो सिद्धांत ही अपने आप में ऐसा है, है क्रमबद्ध पर्याय। क्रम माने क्रमिक रूप से, बद्ध माने बंधी हुई है, पर्याय एक के बाद एक होती रहेंगी, लेकिन सीरियल से जब जो होना है तब वही होगा, ऐसा सिद्धांत है। मैं क्या डिटेल करूं आपको, अलग से बताया ही मैंने, पूरा सेपरेट टॉपिक था इसके ऊपर। फिर देखो निश्चय व्यवहार नयों का प्रतिपाद, निश्चय नय व्यवहार ने। अब निश्चय नय व्यवहार ने नयों की भाषा कैसी होती है, निश्चय का क्या स्वरूप है, व्यवहार का क्या स्वरूप है, भूतार्थ ने कौन सा है, अभूतार्थ। और निश्चय व्यवहार अकेला इतना कहने से भी काम नहीं चलता, निश्चय भी चार प्रकार का है और व्यवहार भी चार प्रकार का है, और कब कौन सी अपेक्षा कहाँ लगेगी। जिन वाणी का मर्म समझना हो तो नयों की भाषा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नयों की भाषा में जिन वाणी लिखी है। तो ये बात भी हमको कौन बताए है, ये बात भी गुरुदेव कांशा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नई बनाई है, ये बात थी पहले से थी, कुछ लोग जानते भी थे, ऐसा थोड़े कि नहीं जानते थे, कुछ लोग जानते भी थे, कुछ लोग नाम सुने थे, लेकिन आज जो इतने जन जन की विषय और इतनी प्रचलित इन्होंने किया है उनकी देन है। एक सिद्धांत है निमित्त उपादान, निमित्त उपादान, इसके ऊपर भी अपन ने सेपरेट एक चर्चा की थी पूरी, है ना। निमित्त उपादान, निमित्त के कितने वेद, उपादान के कितने वेद हैं, तत्समय की योग्यता क्या है, ये सब अपन ने पूरा डिटेल से चर्चा की थी, तो इसलिए इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से क्या बताऊं, है ना। तो कुल मिलाकर निमित्त उपादान समझने से हमको स्वाधीन दृष्टि आती है, निमित्त का निषेध नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त को गौण किया है। जब कार्य होगा तो निमित्त भी जरूर होगा, लेकिन अकेले निमित्त से भी काम नहीं होता और निमित्त के बिना भी काम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। निमित्त भी चाहिए लेकिन निमित्त निमित्ताधीन दृष्टि नहीं चाहिए, निमित्त चाहिए लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि नहीं चाहिए, दृष्टि उपादान की रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपादान की दृष्टि रहेगी तो स्वाधीन रहेंगे और निमित्त की दृष्टि रहेगी तो पराधीन रहेंगे, ये शिक्षा दी इन्होंने हमको, ठीक है, स्वाधीन बनना है। तो फिर देखो परम शुद्ध निश्चय नय का प्रतिपाद भगवान आत्मा, आत्मा का स्वरूप परम शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से तो है ही, परम शुद्ध निश्चय नय भेद से भिन्न, पर्यायों से पार, एक अखंड एकाकार शुद्धात्मा का स्वरूप, जिसे हम दृष्टि का विषय इस नाम से जानते हैं। तो मैं सारी की छठी में सातवीं आता आपको बताई थी मैंने उसमें। तो इस प्रकार से इसकी भी अलग से क्या बात करूं, ये सब मैं आपको अलग से बता चुका हूं सारी चीजें। एक कारण शुद्ध पर्याय, ये क्या है कारण शुद्ध पर्याय, ये बड़ी गजब बात, ये थोड़ी सी समझ लीजिए जरा संक्षेप में, एक मिनट में बता देता हूं। दो तरीके के भगवान होते हैं, कितने? दो तरीके के भगवान होते हैं। एक भगवान तो वो है जो मंदिर में बैठे हैं, ठीक है, चलो मंदिर वाले मत मानो, सिद्ध शिला पे बैठे हैं ऐसा मान लो, ठीक है। तो जो सिद्ध शिला पे बैठे भगवान वो तो है परद्रव्य, परद्रव्य है कि नहीं है। और एक मैं भी तो भगवान हूं, अप्पा सो परमप्पा, मेरी आत्मा भी तो अपनी भगवान है कि नहीं, आज नहीं तो कल की भगवान, तो मैं भी सब भगवान। तो ये हुआ स्वेद्रव, स्वेद्रव्य वाला भगवान, एक परद्रव्य वाला भगवान, दो भगवान हो गए, समझ में आई बात। परद्रव्य के, परद्रव्य वाले जो भगवान है उनकी भक्ति पूजा करने से कर्म बंधेंगे, कटेंगे नहीं, भले ही शुभ कर्म बंधे लेकिन बंधेंगे, ठीक है। और अपने आत्मा की आराधना करेंगे तो कर्म कटेंगे, बंधेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमको कर्म काटना है, बांधना नहीं है। तो मेरी आत्मा मुझे परमात्मा बनने का मार्ग बताती है, यानी मेरी जो वर्तमान पर्याय है कारण शुद्ध पर्याय, अभी तो विकारी पर्याय उसकी बात नहीं, जो पर्याय अंतरोन्मुखी होके आत्मा को लक्ष्य करे वो पर्याय कारण शुद्ध पर्याय, और उस कारण शुद्ध पर्याय के कारण
मेरी आत्मा कार्य परमात्मा बन जाती है। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा क्या है? जो परद्रव वाले भगवान है ना, सिद्ध शिला वाले, वे तो है कार्य परमात्मा और मैं हूं कैसा? कारण परमात्मा। ठीक है, मेरी आत्मा वैसा बनेगी तो कहां से बनेगी? अपने आप से ही बनेगी। तो ये जो मैं हूं, ये कौन है? कारण परमात्मा। तो ऐसा उन्होंने अपने आप को यानी हर जीव को परमात्मा की दृष्टि से देखा। उन्होंने बार बार कहा हूं परमात्मा, गुजराती बोलते थे ना वो, तो गुजराती हूं, हूं तो आप जानते हो, हूं माने मैं, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, कह रहे कि ये मैं हूं ऐसा मानो, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने की शिक्षा दी, उसको परमात्मा की दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा नहीं, तुम निर्णय करो, तुम नक्की करो कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, आज नहीं तो कल है। शुभ राग में धर्म नहीं, राग शरीर ये जड़ की क्रियाएं हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। ये बहुत बारीक बात है, काफी विस्तार इस पर हो सकता है। हम क्या सोचते थे, क्या विस्तार हो सकता है? हम सोचते कि चलो भाई सच बोलेंगे, यही धर्म है। एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल, सच बोलने का नाम धर्म है क्या? सच बोलना धर्म नहीं है। क्यों? सच बोलना पुण्य हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच बोलना तो वाणी का धर्म है, वाणी तो पुद्गल है, भाषा वर्गना पुद्गल, पुद्गल धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो आत्मा में होता है, है? तो ऐसे करके आप थोड़ा लॉजिक से सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि वो मतलब कैसी बात, गंभीर बात है। ये देखिए इनका योगदान और इनकी उपलब्धियां, इनका योगदान और इनकी उपलब्धियां, उन्होंने लगभग 35 ग्रंथों पर प्रवचन किए, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे पास कुछ डाटा पुराने डाटा थे उनके अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा है। तो लगभग 35 ग्रंथों पर इन्होंने प्रवचन किए अपने जीवन में, शास्त्र सभाओं में लगभग 12 पूरे पूजा विधानों का आयोजन कई बार करवाया। उन्होंने कुमारी का ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की अपने सोनगढ़ की जो साधन स्थली है उसके परिसर में, जिसमें बहन चंपा बहन और शांता बहन के निर्देशन में लगभग 50 ब्रह्मचारिणी बहनों ने साधनाएं की है। उनकी प्रेरणा से पूरे भारत वन में, ये जो बहुत पुराने डाटा है, बहुत पुराने डाटा है, लेकिन मुझे ऐसा कन्फर्म है कि सैकड़ों की, लगभग 300-400 के, 300 से ऊपर की संख्या याद है कि आज की तारीख में 300 से भी ज्यादा जैन मंदिर उनकी प्रेरणा से निर्मित हुए हैं। और उनके जाने के बाद भी, उनके देहावसान के बाद भी, उन्हीं की प्रेरणा से आज भी बहुत सारे मंदिरों की स्थापना हुई है। आप इधर मुंबई में जो घाटकोपर का मंदिर है, घाटकोपर ईस्ट में, वो मंदिर भी उन्हीं की प्रेरणा से निर्मित हुआ है। मतलब आप जहां भी जाएंगे बहुत सारे मंदिर उनकी प्रेरणा से बने, ये बहुत ही पुराने डाटा है। अनेक स्थानों पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों का आयोजन किया गया है इनकी प्रेरणा से, है? और उनको सुनने के लिए सोनगढ़ में 300 जैन परिवार बस गए, 300 जैन परिवार उनको सुनने के लिए। आप कभी सोनगढ़ जाएं और इनकी जो साधना स्थली है उसके इर्द गिर्द जरा थोड़ा घूमें देखें तो आपको समझ में आएगा, हर घर का नाम लोगों ने कुछ ऐसा रखा है कि वो गुरुदेव कांजी स्वामी को किसी न किसी रूप में जो है दिग्दर्शित करता है, जैसे गुरु कृपा, कहन कृपा, इस टाइप के नाम रखे हैं, और भी बहुत है इस टाइप के नाम, बहुत आप देखेंगे तो आपको एकदम चारों ओर ऐसे ऐसे नाम, बहुत सारे लोग इनके साथ साथ श्वेतांबर संप्रदाय से दिगंबर संप्रदाय में आए, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी सी कई बार कुछ समाज में छोटी छोटी विसंगतियां ऐसी हो जाती है कि जिनको लेकर के, और वो बहुत विवादास्पद रूप धारण कर लेती है, हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कुछ लोग, आज की बात नहीं, आज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस समय जब ये परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन के समय जो इनके अंध भक्त थे, जो इन पर एकदम कुछ ज्यादा ही भक्ति दिखाते थे, ऐसे लोग उनकी छोटी सी भूल के कारण बहुत बड़ी जो है हमको एक समस्या का सामना करना पड़ा था, और वो उनकी छोटी भूल ये थी कि वो अंधश्रद्धा में इतने भावाविवेक, इतने भावाभूत हो गए कि उन्होंने गुरुदेव कांजी स्वामी को एक महापुरुष न मानकर और ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो एक तीर्थंकर हैं, ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। तीर्थंकर हैं क्या? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 तो होते रहे हैं, 24 हो गए महावीर तक, तो 25वां तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकता। बस इतनी सी एक छोटी भूल थी, उस भूल के कारण
समाज में बहुत समय तक लंबा संघर्ष चला, उसमें कई लोगों को कई प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग आज भी इतना जरूर कहते हैं कि ये भावी तीर्थंकर है। अब वो किस आधार पर कहते हैं, ये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और इसकी प्रामाणिकता का भी मेरे पास कोई आधार नहीं है, सिर्फ सुनी हुई बात है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये और भी इनके योगदान बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है योगदानों की। सोनगढ़ में अनेक संस्थाएं चली, वे सब धर्म प्रचार में लगी हुई है। संपूर्ण भारत की, भारत में जितने तीर्थ हैं, अच्छे क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, उनकी सब की यात्रा संघ सहित इन्होंने की 2 बार, और एक बार स्पेशल यात्रा दक्षिण भारत की इन्होंने है, और कई जगह धर्म प्रचार के लिए गए। और इसके बाद देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में सत साहित्य का प्रकाशन, और एकदम सस्ते मूल्य में, ताकि लोग उसको पढ़े, समझे, लोगों तक पहुंचे। ये सब इनकी प्रेरणा से काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है, हैं। और काफी पत्रिकाएं आएगा शायद इसमें लिस्ट में सब जब लिखा है। और देखिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो जैन विद्वानों की, जैन प्रशिक्षकों की जो आवश्यकता है, जो जैन पाठशालाओं में पढ़ा सके, प्रवचन कर सके, लोगों को समझा सके, तत्व प्रचार कर सके, ऐसे लोगों को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर मई जून की गर्मी में एवरी ईयर ये जो है लगता है भारत देश के विभिन्न नगरों में, प्रतिवर्ष जो है लगता है, और इसमें जो है विद्वानों की ट्रेनिंग होती है, हैं। हर विद्वान को मिनिमम 2 शिविर कंपलसरी अटेंड करने होते हैं, मैंने भी किए हैं। तो इस प्रकार से वो प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला भी गुरुदेव कांजी स्वामी की प्रेरणा से शुरू हुई, और ये इसमें जो है विद्वानों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने की। और इसके अलावा ये ग्रीष्म का ये तो हो गया, अनेक और भी आध्यात्मिक शिविर लगते हैं गांव गांव में, शिविरों का शिक्षण शिविर लगते हैं, बालकों की पाठशालाएं चलती है जिनमें विभिन्न प्रवचनकार बनाए जाते हैं। 1967 में टोडरमल स्मारक की स्थापना, मैंने बताया ना जहाँ का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ उसकी स्थापना हुई। 1968 एंड 1969 में भारतवर्षीय वीतरा विज्ञान पाठशाला समिति की स्थापना हुई, जिसमें ये बहुत पुराने डाटा है, 500 पाठशाला कुछ नहीं, आज तो हजारों की पाठशाला चल रही है पूरे देश में, लाखों विद्यार्थी उनमें पढ़ रहे हैं। और वो देखो, ये इसमें भी एक दो चीज और बताऊं, नई लेटेस्ट जो ख्याल में आई है, लेटेस्ट ये है कि जैसे प्रशिक्षण शिविर है मई जून की गर्मी में लगता है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो क्या हुआ उस शिविर का, क्या हुआ, ऐसा लगता होगा ना, कोई काम रुका नहीं है पिछले कई सालों, 40 साल से ज्यादा हो गए, कोई काम रुका नहीं है, वो ऑनलाइन चालू ही है, सारे काम चालू है, इतना इतना डेडिकेशन है, कोई कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी चाहे कितनी भी हो, सब काम बराबर चालू है, ऐसी स्थिति है। फिर देखिए इनकी क्या क्या और योगदान है, कि इनकी कांजी स्वामी के आध्यात्मिक संदेशों के प्रचारार्थ एक मासिक पत्रिका आत्मधर्म नाम से प्रारंभ हुई, जो जयपुर, बंबई, बेंगलोर और मद्रास से एक साथ प्रकाशित होती थी। और ये फिर पहले गुजराती में शुरू हुई, फिर एक साल के बाद हिंदी में भी शुरू हो गई, फिर 1977 ईस्वी सन में मराठी में भी शुरू हो गई, फिर उसके बाद एक साल के बाद कन्नड़ और तमिल में भी शुरू हो गई, अनेक भाषाओं में ये जो है आत्मधर्म नाम की मैगजीन जो है निकलती है और आज भी निकल रही है। इस प्रकार से ये जो है काफी जो है प्रचार प्रसार में निरंतर गतिविधियों में समाज लगी हुई है। और देखिए प्रशिक्षण शिविरों आज, और इसके अलावा भी मैं ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, ये पुराने डाटा है। आप देखो आज इतनी सारी संस्थाएं पूरे देश में स्थापित हो गई है, मैं आपको एक दो संस्थाओं के नाम भी बता सकता हूँ, ऐसी संस्था, एक एक संस्था तो खुद इन्हीं के नाम से है, उसका नाम तो लेना जरूरी बनता है ना। श्री कांजी स्वामी स्मारक ट्रस्ट, ये आपके महाराष्ट्र में ही है, नासिक के पास देवलाली करके एक जगह है, वहां पर श्री कांजी स्वामी के नाम से स्मारक बना हुआ है, और वो काफी बड़ा परिसर है, उस परिसर में मंदिर है, स्वाध्याय कक्ष है, और भी अनेक प्रकार की भोजनशाला है, अतिथि के रहने के लिए निवास स्थान है, और कई विद्वानों के रहने के आवास हैं, तो भोजनशाला सब कुछ है वहां पर। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो है संस्थाओं की स्थापना, अनेक ट्रस्ट हैं, मुंबई विले पार्ला में श्री दिगंबर जैन कुंद कहान ट्रस्ट है, तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट है, अनेक प्रकार के ट्रस्ट हैं,
वो ट्रस्ट उन्हें बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस काम को कर रहे हैं, जो जैन विद्वान करने की जो संस्था जयपुर में है उस संस्था को भी काफी अनुदान देते हैं, वहाँ के छात्रों का भी जो है काफी अनुदान यहाँ से दिया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम सोनगढ़ में भी अभी एक दो संस्था नई लेटेस्ट में बनी है, जो कांजी स्वामी के संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हीं के नाम से तैयार हुई है, अभी लेटेस्ट एक दो संस्था बनी है। देखिए प्रशिक्षण शिविर बता दिया मैंने आपको, वितरा विज्ञान सत साहित्य प्रसारक ट्रस्ट वीर निर्माण सम्मत 2500 में ये भी एक बना था, और एक एक करोड़ ध्रुव फंड, एक कुनकुन का, ये बहुत पुराने डाटा है। एक करोड़ आज क्या मायने रखता है, आज तो कई करोड़ों की ये जो है हस्ती है, है ये जो है तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, ये विले पार्ला कुनकुन वो क्या बोलते हैं सीमंदर भगवान का जो मंदिर है वो देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो मंदिर ही अकेला ही कई करोड़ का बना के रखा है ऐसा। तो तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा, उनकी जीर्णोद्धार है, तीर्थ सर्वेक्षण योजना, कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना, जिनवाणी का शोध प्रकाशन विक्रय, घर घर पहुंचे कैसे पहुंचे वो सब है। एक एक छोटा देखो जिनवाणी घर घर पहुंचे इसके लिए भी बड़ी बहुत तैयारी की गई, बहुत प्लान किया गया। आचार्य कुनकुन को जब 2000 वर्ष पूरे हुए तो इस उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष में कुंद कुंद द्विसहस्त्री शताब्दी वर्ष, द्विसहस्त्री वर्ष ऐसा आयोजित किया गया। उस के अंतर्गत एक छोटी बस है जिसका नाम मंगलवर्धनी रखा गया। उस मंगलवर्धनी के चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक सुभाषित और सेंटेंस वाक्य अच्छे अच्छे लिख करके और अनेक प्रकार के साहित्य से उसको सुसज्जित करके और पूरे भारत की यात्रा के लिए भेजा गया। पूरे भारत का कोई गांव छूटना नहीं चाहिए, पूरे भारत में जितने गांव जितने शहर सब जगह वो गाड़ी गई पूरे भारत, और उस गाड़ी ने पूरे जगह जगह ये अध्यात्म का तत्व ज्ञान का जो प्रचार प्रसार किया, अनेक प्रकार का सत साहित्य उस गाड़ी में भरा रहता था, और वो जो भी लोग जिज्ञासु दिखते थे, जो भी जो धर्म पिपासु थे उन सबको फ्री भी दी, न्यूनतम मूल्य में दी, जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे देवे, नहीं देना चाहे नहीं देवे, लेने देने की कोई बात ही नहीं, ऐसा प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे कहने का मतलब बहुत सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये चीज तो मैं छोटा था बचपन में, मेरे गांव में भी आई थी वो गाड़ी, तब जाकर के मैंने देखा, इसलिए बता रहा हूँ, देखी हुई बात है, वो सुनी हुई नहीं। तो जिनवाणी का शोध प्रकाशन विक्रय, आत्मार्थी विद्वान तैयार करना है, बहुत सारी योजनाएं और काफी है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये गुरुदेव श्री का जो प्रभाव है उनका ही प्रचार प्रसार है ना। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो भी काम किया वो उन्होंने खुद, उनका ये कहना है भाई ये हमारे अपने घर की बात नहीं है, ये तो सर्वज्ञ देव की वाणी है, जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ देव ने फरमाई है, डंके की चोट बात आई है, यूं समझो स्वाधीनता का स्वतंत्रता का शंखनाद हुआ है। ये बातें सुनकर के हमें गौरव होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये बात है, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो ये परिचय अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। यदि अभी आपके मन में कोई प्रश्न है जिज्ञासा है तो आप पूछ लीजिए, मेरे ख्याल में इतना सफिशियंट है, इतना यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो काम हो ही जाए, है ना, परीक्षा की दृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समझता हूँ समझ में आई होगी आपको, कितना आया ही समझ में? जी सर, कोई नहीं आया सर, कठिन तो नहीं है? कठिन तो नहीं, सब बराबर है? नहीं, ठीक है सर। हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। है कोई प्रश्न?